गाइस, जब मधुमक्खी किसी व्यक्ति को टंक मारती है तो मधुमक्खी के शरीर में पाया जाने वाला फॉर्मिक एसिड उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, जिससे उस व्यक्ति का वह स्थान सूज जाता है और उसे दर्द होने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि मधुमक्खी टंक मारने के बाद मर क्यों जाती है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। होता ये है कि जब मधुमक्खी किसी व्यक्ति को डंक मारती है तो मधुमक्खी अपने डंक को उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर डालती है। अब मधुमक्खी अपने डंक को बॉडी के अंदर डाल तो देती है, लेकिन होता ये है कि मधुमक्खी का डंक उस व्यक्ति के बॉडी में फंस जाता है। और जब मधुमक्खी जबरदस्ती अपने डंक को निकालने की कोशिश करती है तो उसके डंक के साथ साथ उसके बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स टूट जाते हैं, जो उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यही कारण है कि मधुमक्खी किसी व्यक्ति को काटने के बाद मर जाती है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।